हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। अभी हो रही है सुबह, तो आज उठते ही पापा ने मेरे को सरप्राइज दिया है कि आज मेरी छुट्टी हो गई है। तो छुट्टी सुन के आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आपकी तो बहुत दिनों से छुट्टी चल रही है अद्वैत, और 2 दिन की और एक्सटेंड हो गई है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया आपकी, ज्यादा सर्दी होने की वजह से छुट्टियां हो गई हैं आपकी। तो आपको अच्छा लग रहा है? आप तो रजाई में बैठे रहते हो अभी, फिर ठंडा लग रहा है आपको? अभी आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या दिख रहा था। नहीं, आपने तो दिखाओगे तो क्या देख रहे थे बताओ? काली माता वाली वीडियो अपने बर्थडे की। आप काली माता वाली वीडियो देख रहे थे अपने बर्थडे वाली? आपको डर नहीं लगता क्या काली माता से? अरे वो तो माता है, एक माता है। चलो तो अब हम नहाई नहाई करने करने के बाद बात करते हैं। ओके, स्टाफ हमारा एब्सेंट है, तो जिसका काम हमें करना पड़ेगा। अरे पीछे देख रहे हैं आप, ये मेरे एक बंदे के लिए जो ऑफिस में आजकल रुकता है उसके लिए रजाई रखी है। उसको ठंड लगती है, तो अब ठंड तो लगेगी, इतने ठंड का मौसम है तो ठंड तो बनती है, लगनी उसको। बाकी चलते हैं, आज फॉग तो नहीं है लेकिन मौसम में ठंडक है। अभी फॉग नहीं है, ठंडक तो है, बनी हुई है भाई। अभी ठंड के मौसम में तो ठंडक लगेगी, ठंड में गर्मी थोड़ी लगती है भाई। ये आपको लगती है ठंड में? जिसको गर्मी लगती है कमेंट सेक्शन में बताना जरा कि ऐसा कौन हॉट लोग है जो सर्दी लगती नहीं है उसको और गर्मी लगती है। फॉग अभी भी फॉग तो नहीं है, इनफैक्ट अगर आप विंड स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ड्रॉपलेट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये फॉग नीचे बरस रहा है, जैसे रेनिंग होती है ना वैसे ही है, बरस रहा है। लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कोहरा टपकना। कैसा लगा आपको कोहरा टपकना वर्ड सुन के? कोहरा बरस रहा है। स्कूलों की आज भी छुट्टी हो गई है, यूपी गवर्नमेंट ने स्कूलों की छुट्टियां सर्दी की वजह से डिक्लेयर कर दी हैं। और मेरे बेटे का तो मजा आ रहा है, पिछले 1 महीने से उसकी छुट्टियां चल रही हैं, 1 महीने से लगातार उसकी छुट्टियां चल रही हैं, कभी 4 दिन की, कभी 5 दिन की, कभी हफ्ते भर की। और 22nd को उसकी छुट्टी स्टार्ट हुई थी, 22nd दिसंबर, और आज 18th है, उसको ऑलमोस्ट एक महीने की छुट्टियां उसको ऑलमोस्ट मिल गई हैं अभी भी। और फिर सैटरडे आ जाएगा, फिर संडे आ जाएगा, मंडे वैसे ही यूपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है 22nd को, जो श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठान, जो श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठान समारोह है, उसकी वजह से यूपी गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर की है, जिसको ऑफिशियली लीव कह सकते हैं आप। बाकी ये देखो, फॉग ना होने के बाद भी बारिश की तरह फॉग नीचे बरस रहा है, और मुझे लगता है ये भी फॉग का अंतिम दौर चल रहा है। सर्दी तो रहेगी लेकिन फॉग मुझे लगता है ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हल्की फुल्की धूप के अलावा तो अभी तक धूप ऐसी कोई अच्छी वाली निकली भी नहीं है। सब कपड़े गीले पड़े हैं, सारे के सारे कपड़े गीले पड़े हैं। बाकी ऑफिस पहुंचते हैं, अभी देखते हैं ऑफिस का क्या अपडेट है, फिर आपसे बात करते हैं। फाइनली ऑफिस पहुंच गए हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद काम स्टार्ट भी मेरा हो गया है, क्योंकि मेरा स्टाफ मेरे लिए काम पहले से सारा ऑक्यूपाई रखता है। और अभी काम फिनिश करते हैं, लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले पहले मैं ऊपर वाले का नाम यहाँ लेता हूँ, ऑफिस में पूजा करता हूँ, उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो पूजा करते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। फाइनली मेरी कार का टायर आ गया है, मैं अपनी कार का टायर फिलहाल चेंज कराने जा रहा हूँ। देखते हैं अभी कितना एस्टिमेट बैठता है भाई कार में। बैठे बैठाए गरीबी में आटा पतला।
चलते हैं मयंक भाई के पास और उनके बिल का अमाउंट देखते हैं कितना होता है। आज आप देख सकते हैं और अब कुछ हद तक कम है लेकिन ठंड आज भी बरकरार है। हमारा थोड़ा तराई का एरिया माना जाता है ना, इसकी वजह से यहाँ पे ठंड अभी भी है। धीरे धीरे लेकिन आसार लग रहे हैं, मौसम खुल जाएगा। अभी भी सड़क पे आप विजिबिलिटी देख सकते हैं। शौक भी बहुत अच्छा शौक है, फिटनेस बनी रहती है, फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। अपन का तो काम ही ऐसा है कि भाई फिटनेस पे कम ध्यान दे पाते हैं, बट यस जितना पॉसिबल होता है अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग अगर आप फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। आगे हमारे मित्र मिलेंगे, देखिएगा उनके जिम कितनी शिद्दत से काम करते हैं। बचपन से ही उन्हें जिम का बहुत शौक है। हमारे मित्र अभी देखना पड़ेगा, हमारे मित्र जिम से घर तो नहीं चले गए। करना पड़ेगा उनको, देखना पड़ेगा जिम का क्या सीन है उनका। हमारे बंदोबर जिम में तो मिले नहीं लेकिन अभी घर पे मिले हैं, तो अभी घर से निकले हैं। तो देखिए 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 जिम करने के बाद अगले बंदे का ये देखो देखो क्या हाल है, क्या हाल है ये। तो रजनीश भाई आप तो जिम जाने वाले बंदों में से थे। यस। तो जिम का क्या रहा आपके भाई? जिम कंप्लीट करके अपने पूरा करके तब आए हैं घर पे। कैसा फील हो रहा है आपको जिम करने के बाद आज? अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है। अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है। हाँ? ये हो रहा है कि हो रहा है? नहीं हो रहा, हो रहा, हो रहा। ओह क्या बात हो रहा। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। तो अभी चलते हैं कि कब चाय पीते हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर वाले अपने भैया हो रहा के साथ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और भाई हमारा पसंद आया हो रहा वाला, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।